एमपी में सिद्ध ऋषि मुनियों एवं संतों की तपस्थली रही बुंदेलखंड की इस पावन वसुंधरा पर किस दिव्य शक्ति ने किस स्थान पर तपस्या की, ये एक शोध का विषय हो सकता है। यहाँ सिद्ध संतों की तपस्थली कब प्रकाश में आई एवं लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु बन गई, ये समय एवं परिस्थिति पर निर्भर है। छतरपुर जिले खवे बागेश्वर धाम के प्रकाश में आने के बाद टीकमगढ़ जिले के एक छोटे से गांव सतरई में सिद्धेश्वर धाम लोगों की आस्था और विश्वास का केंद्र बिंदु बना हुआ है। बताया जाता है कि यहां लगने वाले दरबार में अलौकिक शक्तियां लोगों की समस्याओं का समाधान करती हैं। सिद्धेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य संत श्री करण कौशल जी महाराज कहते हैं कि सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। इस स्थान पर माँ आदिशक्ति गौरी बालाजी सरकार एवं काल भैरव स्वयं विराजमान रहकर लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। आप लोगों को सभी भक्तों से निवेदन है, जो भक्त भारत में भी परेशानी भोग रहे हैं, अनंत अनंत जगह भटक रहे हैं, सब जहाँ मध्य प्रदेश में दरबार लग रहा है वो दास के ही दरबार है। सब जने जितने भी संत हो, सब संत संत महात्माओं को भी मेरा प्रणाम है। और समझ पक्का सही बोल रहे हैं, आ जाइए धरा जा, यहाँ कोई पाखंड तो नहीं, भगवान करते हैं। देखो मैं कोई संत नहीं हूँ ना कोई महाराज जी नहीं हूँ, जो कुछ है बालाजी और मैया की महिमा है, वो सिद्ध भगवान नर नारायण और भोलेनाथ। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।